मैं हूं पूर्णिमा शर्मा। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट इमरजेंसी, ग्लोबल वार्मिंग और साइक्लोन्स पर। क्यों हम देख रहे हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास ज्यादा साइक्लोन आ रहे हैं? क्या इंडियन ओशन में जो सी सरफेस टेम्परेचर है क्या वो बढ़ रहा है? क्या अनुमान लगा रहे हैं वैज्ञानिक, चाहे अरेबियन सी की बात हो चाहे बे ऑफ बंगाल की बात हो? क्या यहाँ साइक्लोन्स आने की फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है, बढ़ रही है? क्या सी का टेम्परेचर, सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है इंडियन ओशन का? कितनी स्टडी हमें करने की जरूरत है और कितने हमारे पास जानकारी है इंडियन ओशन को लेकर? क्या हमें इस पर और संसाधन लगाने की जरूरत है समुद्र से जुड़ी जानकारी के लिए? बे ऑफ बंगाल को कहा जाता है कि वो ज्यादा रेजिंग रहते हैं, वहां ज्यादा इंटेंसिटी के साइक्लोन्स आते हैं। वहीं अरेबियन सी को थोड़ा क्वाइटर माना जाता है, लेकिन पिछले 10 सालों में क्या बदलाव हुए सी के टेम्परेचर को लेकर? क्यों आते हैं साइक्लोन्स? और भारतीय उपमहाद्वीप की अगर हम बात करें तो उसके आसपास जो समुद्र है क्या उसमें हलचल बढ़ रही है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है प्रोफेसर सुनील कुमार जी आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। तो सुनील कुमार जी, आप साइंटिस्ट हैं, ओशनोग्राफी को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी स्टडी कर रहा है, उसके बारे में लगातार जानकारी भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास जितने समुद्र है उस पर आप स्टडी करते हैं, जानकारी जुटाते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं। आपसे हम समझना चाहेंगे कि NIO की जो कोशिशें रहती है महासागर को समझने की, उसमें आपको क्या लग रहा है कि क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका कितना असर हो रहा है भारत के आसपास जितने महासागर है उस पर, और साथ ही सी सरफेस का टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है पिछले हम 10 सालों की अगर बात करें और पूरी दुनिया के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो? जी 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 मैडम, शुरू में मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि CSIR के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, एक लैब है जो इंस्टीट्यूट है, जो CSIR के 38 लैब जो इंस्टीट्यूट है उनमें से एक है, और जिसका काम जो मैंडेट है वो इंडियन ओशन के ऊपर रिसर्च करना है। इंडियन ओशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक साइंस पे स्टडी करके उनका कितना उपयोग हम ह्यूमन काइंड के बेनिफिट के लिए कर सकते हैं, इसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी विभिन्न तरह के वैज्ञानिक कार्यक्रम करता है। तो अगर आप देखेंगी तो हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर बहुत सारे ग्रुप हैं जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ओशनोग्राफी के ऊपर काम करते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल ओशनोग्राफी, फिजिकल ओशनोग्राफी, जियोलॉजिकल ओशनोग्राफी, जियोफिजिकल ओशनोग्राफी और केमिकल ओशनोग्राफी और मेराइन इंजीनियरिंग, ये सारे एस्पेक्ट हम कवर करते हैं। अगर आप देखेंगी तो ओशन से रिलेटेड जितना भी कुछ है जो जो कि हमको समझने की कोशिश करना चाहिए ओशन के डिफरेंट प्रोसेसेज, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो अगर आप खासकर इंडियन ओशन की बात करेंगी तो इंडियन ओशन आप देखेंगी कि तीसरा सबसे बड़ा ओशन है, जिसका कि एरिया आप देखेंगे तो करीब 71 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है टोटल। आप कंसिडर करेंगे पूरा नॉर्थ से लेके साउथ तक। तो उसमें अगर इंडियन ओशन की विशेषता ये है कि इंडियन ओशन कंपेयर टू पैसिफिक एंड अटलांटिक, उनको अगर देखेंगे तो वो पोल टू पोल कनेक्टेड है, नॉर्थ टू पोल से लेके साउथ पोल तक कनेक्टेड है। बट इंडियन ओशन ही एक ऐसा स्पेशल ओशन है जो कि नॉर्थ में ये पोल तक नहीं जाता है, नॉर्थ में ये घिरा हुआ है लैंड मास से, ट्रॉपिकल रीजन में ही खत्म हो जाता है। तो इसका जो ओशन सर्कुलेशन है जो कि शुरू होता है कहीं सब समवेयर, जो टोटल ग्लोबल सर्कुलेशन नॉर्दर्न इंडियन ओशन में, वो पूरा ये ऊपर पोलर रीजन तक नहीं जा पाता है, और इसके वजह से इसके अंदर जो वार्मिंग वगैरह की बात होती है बहुत स्पेशल हो जाता है ये, क्योंकि ये पोल टू पोल कनेक्शन नहीं होने की वजह से वार्मिंग काफ़ी अलग होता है। तो इंडियन ओशन में जो वार्मिंग हो रहा है, जो आजकल एंथ्रोपोजेनिक वार्मिंग की बात हो रही है, जो ग्रीन हाउस गैसेज
इंक्रीज की वजह से जो वार्मिंग हो रही है उसका इंपैक्ट भी इंडियन ओशन में ज्यादा देखा गया है। आप अगर लास्ट 5 से 6 डिकेड की बात करेंगी तो अगर ओशन सरफेस टेम्परेचर की बात हो रही है तो यहाँ पे टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली हायर है कम्पेयर टू अदर ओशन से। जो ग्लोबल टेम्परेचर अगर 0.7 डिग्री पर डिकेड के हिसाब से बढ़ा है तो यहाँ पे करीब 0.14 डिग्री पर डिकेड के हिसाब से बढ़ा है टेम्परेचर इंडियन ओशन में। तो टेम्परेचर सडनली बिकॉज ऑफ यहाँ ज्योग्राफिकल रीजन की वजह से, ग्लोबल मिक्सिंग नहीं होने की वजह से, जो ओशन सर्कुलेशन ऑब्स्ट्रक्ट होता है यहाँ पे, डीप सर्कुलेशन और सरफेस सर्कुलेशन ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से टेम्परेचर यहाँ काफ़ी बढ़ा है। और उसके वजह से यहाँ के जो फिजिकल पैरामीटर हैं, जो ओशन और एटमोसफेयर का इंटरेक्शन हो, काफ़ी अलग से इम्पैक्ट हुआ है, जिसकी वजह से ये साइक्लोन वगैरह पे काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है इसका। जी, तो आपको क्या लगता है कि जो सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है इंडियन ओशन में, पूरी दुनिया के कंपैरिजन में ज्यादा है, इससे क्या ऐसा लगता है कि जो जितनी भी कैलामिटीज इवेंट्स हैं वो ज्यादा बढ़ सकती हैं, ज्यादा और साइक्लोन आएंगे अरेबियन सी में भी, बे ऑफ बंगाल में भी? जी, अगर जैसे आप साइक्लोन की बात हो रही है, जो खासकर ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात हो रही है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का अगर फॉर्मेशन की बात करेंगे तो 6 फैक्टर होता है जिस पर यह साइक्लोन डिपेंड करता है। तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो सी सरफेस टेम्परेचर है। सफिशेंटली वार्म सी सरफेस टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, एटलीस्ट जो टेम्परेचर हो वो 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो, तभी वो फॉर्म हो सकता है। उसके बाद एटमोस्फेरिक इंस्टेबिलिटी होना चाहिए, फिर वो ह्यूमिडिटी हाई होना चाहिए, उसके बाद कोरियोलिस फोर्स फॉर्म होना चाहिए, उसके बाद जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो वर्टिकल विंड शियर, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और एक प्री एग्जिस्टिंग लो लेवल फोकस ऑफ डिस्टर्बेंसेज होना चाहिए। तो ये सारे पैरामीटर हैं जो कि साइक्लोन को इम्पैक्ट करता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सी सरफेस टेम्परेचर, तो सी सरफेस टेम्परेचर अगर जैसे बढ़ रहा है तो इसका इम्पैक्ट सर्टेनली जो फ्रीक्वेंसी एज वेल एज इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन के ऊपर पड़ेगा। और जैसा कि आप देख रही हैं लास्ट फ्यू ईयर्स में ये फ्रीक्वेंसी भी बढ़, खासकर अगर नदर इंडियन ओशन की बात करेंगे, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी की, तो बोथ द प्लेसेज में फ्रीक्वेंसी ऐसा अभी, मतलब आपको लंबे समय तक वेट करना पड़ेगा डाटा के लिए, क्योंकि 2 साल 3 साल के डाटा पर बोल नहीं सकते। ग्लोबली बहुत सारा डिबेट है इसके ऊपर, एंड इवन पीपल जो है वो बटे हुए हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी बड़ी है घटी है, कुछ लोग बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी बड़ी घटी नहीं है बल्कि वो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। बट इंडियन ओशन में हम सर्टेनली देख रहे हैं कि लास्ट 2-3-4 ईयर्स में बड़ी है फ्रीक्वेंसी, और खासकर अरेबियन सी में फ्रीक्वेंसी बड़ी है। अरेबियन सी जो कि पहले क्वार्टर माना जाता था अभी बड़ी है, और उसका एक खास कारण यही है जैसे कि आप बात कर रहे थे सी सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज का। तो सी सरफेस टेम्परेचर सर्टेनली सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है अरेबियन सी में, और खासकर वेस्टर्न अरेबियन सी में काफ़ी बढ़ा है। तो जो इंडियन ओशन डायपोल की हम लोग बात करते हैं, जो पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल बढ़ रहा है अभी फिलहाल टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वेस्टर्न अरेबियन सी में, उसकी वजह से साइक्लोजेनेसिस ज़्यादा हो रहा है और इंटेंसिटी भी बढ़ रहा है, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ने के लिए टेम्परेचर हाई होना जरूरी है, और काफ़ी हद तक के टेम्परेचर कभी इवन 30-31 डिग्री तक जा रहा है, इसकी वजह से इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। तो दोनों फैक्टर काम कर रहा है उसमें। जी, तो कई फैक्टर्स काम कर रहे हैं, और जिस तरह आपने बताया कि अरेबियन सी में का टेम्परेचर पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ रहा है, आपकी स्टडी अगर ओशनोग्राफी पर है तो आपको क्या लगता है कि हमें अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, रिसोर्सेज है, वो इंडियन ओशन की स्टडी में और ज्यादा बढ़ानी चाहिए, इस पर और ज्यादा स्टडी होनी चाहिए? अभी जो हमारी जानकारी है वो उतनी पर्याप्त नहीं है जितनी होनी चाहिए। दुनिया भर में ओशन जो उसके कंपैरिजन में हम कहाँ खड़े हैं? क्या इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो जितने भी देश हैं, या इंडियन ओशन के दायरे में जितने भी देश आते हैं, उनको एक कोलैबोरेटिव एफर्ट करना चाहिए इस दिशा में, और क्या इसके लिए प्रयास और ज्यादा होने चाहिए ताकि हम समय रहते चीजों को संभाल पाए?
जी, आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट रेज किया है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल ओशन जितने हैं उसमें इंडियन ओशन को अभी भी बोला जाता है लिस्ट स्टडीड बेसिन। तो बहुत सारे ओशनोग्राफिक प्रोसेस है, जैसा कि अभी शुरू से ही हम लोग इस बात को एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमको पता है कि ओशन एंड एटमोस्फियर कपलिंग है जो कि क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। इस कपलिंग को समझने के लिए हमको सारे ओशनोग्राफिक प्रोसेसेस को बहुत अच्छे बेहतर ढंग से समझने की जरूरत है, उसका बेसिक साइंस बहुत अच्छे ढंग से समझने की जरूरत है। जैसा कि अभी मैंने आपको बता रहा था, इवन अभी साइक्लोन की बात करेंगे तो अभी भी साइक्लोजेनेसिस पूरी तरह से हम लोग नहीं समझ पाएंगे एग्जैक्टली होता क्या है, ट्रिगरिंग मैकेनिज्म क्या है, बीच मेंटेन्स कैसे हो जाता है। तो ओवरऑल पीपल हमको पता है कि कैसे हो रहा, बट उसका बेसिक इंट्रिकेसीज अभी भी हमें बहुत कुछ पता नहीं है। जब इंडियन ओशन की बात होती है, जहाँ की ऑलमोस्ट 71 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ओशन बेसिन है, जहाँ पे कि डिफरेंट प्रोसेसेस काम करते हैं, आप समझ लीजिए कि इधर से गंगा, ब्रह्मपुत्र, इरावडी, साल्विन ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर सप्लाई करके आपको स्ट्रेटिफिकेशन दे रहा है, मतलब सी सरफेस मिक्सिंग को, सी वाटर मिक्सिंग को इनहिबिट करता है, उसकी वजह से क्लाइमेट इम्पैक्ट हो सकता है, डस्ट इनपुट बहुत ज़्यादा है, और आपका जो ओशन सर्कुलेशन है यहाँ पे काफ़ी स्पेशल है, साउथ वेस्ट मानसून की तरफ से अरबियन सी से वे ऑफ बंगाल में वाटर जाता है और बाकी टाइम वे ऑफ बंगाल से अरबियन सी में वाटर आता है। सिमिलरली यू हैव बहुत सारे हाइड्रोथर्मल रीजेज हैं इंडियन ओशन में, और इंडियन ओशन को आप देखेंगे तो एक जो पूरा कन्वेयर बेल्ट है वो थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन का एक बहुत अहम हिस्सा है, जहाँ से कि नॉर्थ अटलांटिक डीप वाटर आता है अंटार्कटिका से और इंडियन ओशन में आता है, फिर ये पूरा इंडियन ओशन कवर करके सरफेस पे आता है और पैसिफिक से इंडोनेशियन सी के थ्रू बहुत सारा पानी आता है, इंडोनेशियन थ्रू फ्लो, वो सरफेस वाटर मिलके फिर वापस अटलांटिक में जाता है, और ये सारे मिलके ओशन टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, ओशन प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, एटमोस्फेरिक प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। तो जब तक हम सारे लोग मिलके इन सारे प्रोसेस जो कि पूरे इंडियन ओशन में हो रहे हैं अगर नहीं समझेंगे, तो नॉट ओनली इंडियन ओशन, अगर पूरे ग्लोबल क्लाइमेट के लिए, अदर ओशन के लिए भी बहुत जानकारी अगर हमको इंडियन ओशन के बारे में नहीं होगा तो हम पूरा सिस्टम, ग्लोबल सिस्टम, अर्थ का सिस्टम वो समझ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए बहुत जरूरत है कि सारे लोग मिलके, सारे कंट्रीज इंडियन ओशन रिम कंट्रीज मिलके, और नॉट ओनली इंडियन ओशन रिम बल्कि सारे संसार के सारे लोग जो डेवलप कंट्री हैं, जहाँ रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, जहाँ साइंटिफिक ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा है, सब मिलकर इंडियन ओशन के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ज़्यादा डाटा की ज़रूरत है, ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है, सो दैट कि इतने सारे डाटा हमको मिल जाए कि जो हमारा मॉडल हो, जो मॉडल आउटपुट हो वो काफ़ी रोबस्ट हो, तभी जाके हम किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी प्रोसेस के अच्छे तरह से समझ के उसके बारे में फोरकास्टिंग कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये एक बहुत जरूरी अहम मुद्दा है कि सारे लोग मिलकर काम करें, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स इन्वेस्ट करें। जी प्रोफेसर सुनील कुमार जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग की जब आती है, जब क्लाइमेट इमरजेंसी की एनवायरमेंटलिस्ट बात कर रहे हैं, तो जो देश ज्यादा ग्रीन हाउस एमिशन जिनके यहाँ से हो रहा है, ज्यादा डेवलप्ड है, उनकी कितनी जिम्मेदारी बनती है इन जो परिवर्तन आ रहे हैं समुद्र में, महासागर में, इंडियन ओशन में, जो नॉर्दर्न इंडियन ओशन है, अरेबियन सी की बात करें, बंगाल की बात करें, तो क्लाइमेट चेंज से इसका सीधा इसको जोड़ा जा रहा है, और इसमें अगर ग्लोबल वार्मिंग की बात आ रही है तो एनवायरमेंटलिस्ट बार बार हमें चेता रहे हैं, हमें सावधान कर रहे हैं, वार्निंग्स दे रहे हैं। अब इंडियन ओशन में अगर इतनी हलचल हो रही है, उसका टेम्परेचर पूरी दुनिया के मुकाबले जितने ओशन हैं उनसे बढ़ रहा है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर इसका असर देखने को मिल रहा है, ज्यादा साइक्लोन्स आ रहे हैं पहले के मुकाबले और उनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि कहाँ तक एफर्ट करने की जरूरत है, और जितना हम ग्लोबल वार्मिंग के लिए, जो भी ग्रीन हाउस एमिशंस के लिए जितने भी देश जिम्मेदार हैं, एज अ साइंटिस्ट आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? जी एक्चुअली आप देखेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग रिजल्ट है ग्रीन हाउस गैस एमिशन का, तो
ग्रीन हाउस गैस एमिशन की वजह से ये जो टेम्परेचर बढ़ा, ऑलमोस्ट 90% जो इम्पैक्ट है वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन का ही है और एरोसोल इम्पैक्ट का भी है। तो अनलेस हम उसको कट डाउन करें ग्रीन हाउस गैस ओवर, मतलब वो तो सारे चीज के लिए ही बुरा है ना, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है ग्लोबली उसके लिए भी बुरा है और ओशन के लिए तो बुरा है ही, तो फिर उसको हमको कट करने की जरूरत है। तो इसके लिए एक तो सबसे जरूरी अहम उपाय, मतलब जरूरत है कि इसको हम कट कैसे करें। आप डेवलपमेंट को तो आप रोक नहीं सकती हैं, तो उसके लिए हमको अल्टरनेटिव रिसोर्सेज तलाशने की जरूरत है, कन्वेंशनल मतलब नॉन ट्रेडिशनल तरीके से सोचने की जरूरत है, जहाँ कि हम अपने ये फॉसिल फ्यूल बर्निंग को कम करें, पेट्रोल डीजल पे अपना जो डिपेंडेंस है उसको कम करें, कोल के ऊपर डिपेंडेंस कम करें, बिकॉज दे आर द मेजर सोर्स ऑफ दिस ग्रीन हाउस गैसेज। तो उसको कम करने की बहुत ही जरूरत है, और जो कंट्री जिसको ज्यादा से ज्यादा यूज करें उनको तो कम करना ही चाहिए, बट उसके अलावा जो कंट्री ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है उनको इस रिसर्च में भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि अगर हम इसको ओशन इंजीनियरिंग के तरीके से कम कर सकते हैं क्या CO2 गैसेज, जैसा कि आपको पता है कि ओशन का एक बहुत बड़ा पार्ट ऐसा है जहाँ पे कि ओशन प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, बिकॉज वहाँ पे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो क्या ऐसा क्या कर सकते हैं क्या कि वहाँ की प्रोडक्टिविटी हम बढ़ा लें, वहाँ पे जहाँ जिस माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है उसको हम आर्टिफिशियली तरीके से पूरा करें और उसके वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और ग्रीन हाउस गैस CO2 कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगा, इसके वजह से टेम्परेचर ऑटोमेटिक घटेगा। तो ये सब कुछ रेमेडियल मेजर कर सकते हैं, बट इसके लिए बहुत इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, बहुत रिसर्च की जरूरत है, और उसके लिए आई थिंक सारे लोग मिलकर काम करना है। बट आई थिंक उसमें जो कंट्री ज्यादा ग्रीन हाउस को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको इसमें ज्यादा मतलब रोल अपनाने की जरूरत है। उसके लिए बहुत एक तो ग्रीन हाउस गैस कट करें और उसको रिमूव करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो भी करने की जरूरत है। जी, तो साथ ही मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि क्या सबसे ज्यादा जो असर पड़ रहा है जिस देश पर इंडियन ओशन में जो सी सरफेस वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग से जिसका को संबंध जोड़ा जा रहा है, जिस तरह आपने पैक ग्रीन हाउसेस गैसेस का इमिशंस जो बढ़ा है, जिन देशों की वजह से ज्यादा बढ़ा है, खास तौर पे उनको सजग हो जाना चाहिए, उनको अलर्ट हो जाना चाहिए। तो क्या भारत पर इसकी मार ज्यादा पड़ रही है, साइक्लोन्स जो होंगे वो भारत में ज्यादा आएंगे, किस तरह के ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट कर रहे हैं? अगर आप देखेंगी तो साइक्लोन जब फॉर्म होगा तो उसका इम्पैक्ट इंडियन ओशन रिम कंट्रीज सारे कंट्रीज पे होंगे, बट खासकर चूंकि इंडिया बहुत ही बड़ा है तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पे ज्यादा होना स्वाभाविक है। कभी गुजरात में इम्पैक्ट करेगा तो कभी उड़ीसा में इम्पैक्ट करेगा, कभी वेस्ट बंगाल में इम्पैक्ट करेगा, तो जो इम्पैक्ट होगा इंडिया पे ज्यादा होगा ही क्योंकि सरफेस एरिया हमारा ज्यादा है। बट अदर कंट्री जैसे कि आपको पता है बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, सारे के ऊपर तो इम्पैक्ट होगा ही, बट चूंकि वो छोटे हैं तो उनका इम्पैक्ट वहाँ पे छोटा ही होगा। तो इसके लिए इंडिया पे तो इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा होगा, इसके लिए हमें तो कोशिश करना ही है कि कैसे से इसको कम किया जाए और इसके ऊपर कितना हम इसके निदान के लिए हम क्या कर सकते हैं उसके ऊपर ज्यादा काम करने की जरूरत है। बट आई थिंक अकेले इंडिया तो करने ज्यादा मतलब क्या सबको मिलकर करने की जरूरत है इसमें, तो रिसर्च पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ऑफकोर्स जो इमिडिएटली जरूरत है वो ओशन फोरकास्ट की जरूरत है, साइक्लोन फोरकास्ट की जरूरत है कि एटलीस्ट उससे हम जान माल की क्षति को नुकसान को बचा सकते हैं। बट बेसिकली हम इसको कम कैसे करें, ग्लोबल वार्मिंग को कम कैसे करें, अगर डायरेक्टली इससे लिंक है तो उसको बहुत जरूरत है कि हम उस पर ज्यादा से ज्यादा काम करें, ज्यादा ध्यान दें। जी, तो जिस तरह हम कह रहे हैं कि इंडियन ओशन में अगर सी सरफेस वार्मिंग होती है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, तो भारत का क्योंकि लैंड एरिया ज्यादा है तो इस पर असर ज्यादा होगा। और जिस तरह से हमारी बहुत सारी अगर हम बात करें तो बॉम्बे है वो एकदम अरेबियन सी के पास है, एक तरफ उड़ीसा है, वे ऑफ बंगाल है, क्या एग्रीकल्चर पर इसके असर हो सकते हैं? लोगों की जान माल तो है ही सारी, और इसके अलावा इकोनॉमी पर इसका असर हो सकता है, प्रकृति के साथ अगर लोग खिलवाड़ कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं अपना बदला भी ले रही है। तो ऐसे में क्या बहुत सारे जिस तरह से देशों को आगे मिलके आना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें धरती को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, अपने महासागरों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए,
और किस तरह के एफर्ट्स होनी चाहिए इस दिशा में कि हम स्थिति को समय रहते संभाल पाए। जी, तो जैसा कि आप हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं कि एक एक एस्पेक्ट हम लोग देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का एक जो बहुत अहम एस्पेक्ट है, मुद्दा है, वो साइक्लोन से रिलेटेड है, साइक्लोन बढ़ रहा है। बट इसके बहुत सारे अलग जो आपके ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उसके अलग बहुत सारे इम्पैक्ट भी हैं। जैसे कि आप अभी बॉम्बे की बात कर रही थी, तो कोस्टल एरिया इनंडेशन की बहुत प्रोबेबिलिटी है, सी लेवल राइज हो रहा है, क्योंकि सी लेवल राइज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो वो भी हमारे बहुत सारे कोस्टल एरिया जो कि लो लाइंग कोस्टल एरिया हैं उनको इम्पैक्ट करेगा। बहुत सारे बॉम्बे का बहुत बड़ा हिस्सा सबमर्ज हो जाएगा अगर ऐसा प्रेडिक्शन किया जा रहा है, अगर इसी तरह से सी लेवल राइज बढ़ता रहा। और ये क्लाइमेटिक इम्पैक्ट या फिर जो इवन एक्सट्रीम क्लाइमेट की बात हम लोग करते हैं, उसकी वजह से एग्रीकल्चर पे बहुत सारा इम्पैक्ट होगा। एक तो कि मानसून के टाइम, जनरली प्री मानसून के टाइम में साइक्लोन्स आते हैं, तो ये हमारे जो रेगुलर मानसून विंड को मूवमेंट को इफेक्ट करेगा, उसके वजह से वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसके आने में विलंब हो सकता है, जल्दी हो सकता है, तो उससे हमारा एग्रीकल्चर इम्पैक्ट होगा। अदर देन दैट, इनके जो साइक्लोन आते हैं इनके वजह से बहुत बारिश होती है। तो इवन अभी की बात करें हम, जो अभी हम लोग साइक्लोन की देखा जिसका इम्पैक्ट हम लोगों ने, तो उसकी वजह से अभी जबरदस्त बारिश हो रही थी इवन इंटीरियर ऑफ द इंडिया, अपना इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में, और उसके वजह से जो अभी जैसे अभी एक जो बहुत गेहूं की उत्पादन का टाइम है, अभी वो थ्रेसिंग का टाइम था, और उसके वजह से बहुत सारे एरिया में गेहूं बर्बाद हो गया। तो नॉट ओनली ये केवल मानसून को डिस्टर्ब करेगा, बल्कि इवन जो प्रोडक्ट हो चुके हैं उनको भी इम्पैक्ट करेगा। तो एग्रीकल्चर को तो इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। तो ये सारे डिमेरिट्स मतलब क्लाइमेट चेंज के बहुत सारे हैं जहाँ की एग्रीकल्चर है, और जैसे सी लेवल की बात, राइज की बात किया, तो इस सारे जगहों पे इनका बहुत बुरा इम्पैक्ट है। तो समय रहते अगर हम इसका उपाय, मतलब ऑलरेडी लेट हो चुका है, तो बहुत जरूरत है इसकी कि एक, मतलब अभी भी जैसे सी लेवल राइज की बात हम लोग कर रहे हैं, या अभी भी जो क्लाइमेट की बात, साइक्लोन की बात कर रहे हैं, तो एक मतलब एक ग्रुप है जो अभी ये मानने की तैयार नहीं है कि हाँ नहीं ये सही में बढ़ गया। तो एक बहुत कॉन्क्रीट रिसर्च की जरूरत है हर एरिया में कि नहीं, ये वी आर श्योरली टेलिंग दैट कि हमारा ये साइक्लोजेनेसिस बढ़ा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा, इंटेंसिटी बढ़ा है, और उसी तरह से सी सरफेस लेवल टेम्परेचर बढ़ा, सी सरफेस लेवल बढ़ा है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ा है, सारे कुछ प्रूव करके। और अगर शो तो कर ही चुके हैं, बट ये बहुत जरूरत है कि हम लोग इसका मिलके काम करें, और मतलब इस पे ज्यादा से ज्यादा साइंस काम करके, और उन लोगों को जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर रहे हैं उनको रोकें, और इसका जल्द से जल्द अल्टरनेट ढूंढने की जरूरत है। और जो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर कुछ जियो इंजीनियरिंग करके हम इसको कम कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग बता रहे थे, कुछ क्लाउड सीडिंग लोग डिस्कस करते हैं, या फिर आयरन फर्टिलाइजेशन अभी हम लोग बात कर रहे थे, जिससे कि CO2 को कंज्यूम कर सकें, तो ये सारे एफर्ट भी करने चाहिए साथ में, जो सो दैट कि अगर हम CO2 को जितना कम कर सके तो ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट को कम कर सके। जी, तो कई तरह के एफर्ट्स करने की जरूरत है ताकि इन जो फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है साइक्लोन्स की, उसे रोका जा सके, भारत पर इसके जो असर है उसको कम किया जा सके। इंडियन ओशन पर बहुत सारे देशों को आगे आने की जरूरत है, खासतौर पर उन देशों को इस दिशा में काम करना चाहिए जो कि ग्रीन हाउसेस के एमिशंस में बहुत ज्यादा जिनका कंट्रीब्यूशन है, उनको इस पर सोचना चाहिए कि उनके जो ग्रीन हाउसेस एमिशंस है उसका असर दूसरे देशों पर किस तरह से पड़ रहा है, किस तरह से लोगों के जान माल पर असर पड़ रहा है। और साथ ही कई तरह की रिपोर्ट्स आए कि जो इंडस्ट्रियल फिशिंग हो रही है, जो बहुत ज्यादा जो मूवमेंट बढ़ गया है समुद्र में, शिप का जो शिपिंग है बहुत ज्यादा बढ़ गई है, वो भी कई तरीके से नुकसान पहुंचा रही है हमारे क्लाइमेट को, और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में उसका भी योगदान एनवायरमेंटलिस्ट मान रहे हैं। तो कई तरह के उपाय किए जाने की जरूरत है, और कई तरह की हमें मेजर्स अपनाने होंगे, और सिर्फ एक देश के करने से नहीं होगा, बहुत सारे देशों को आगे आना होगा, दुनिया भर के मुल्कों को आगे आना होगा, देशों को, कंट्रीज को आगे आना होगा, और खासतौर पे उन देशों को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी जिनकी वजह से ग्रीन हाउसेस गैसेस का एमिशन बहुत ज्यादा हो
अमेरिका की बात करें, चाहे चीन की बात करें, चाहे और देशों की बात करें, तो वहां अगर ग्रीन हाउसेस का एमिशन बहुत ज्यादा है और अगर उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो उन्हें सावधान हो जाने की जरूरत है कि ऐसे देश जिनकी वजह से अगर क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो दूसरे देशों पर, दूसरे देशों की आबादी पर, उनकी इकोनॉमी पर, उनके एग्रीकल्चर पर इसका क्या असर हो रहा है, इस दिशा में उन्हें अलर्ट हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। और स्थिति तो जिस तरह एनवायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज नहीं, अब क्लाइमेट इमरजेंसी की स्थिति में है हम, तो अगर हम समय रहते नहीं सावधान हुए तो बहुत सारे देशों की गलतियों का खामियाजा किसी और देशों को भुगतना पड़ सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुनील कुमार सिंह जी, आप गोवा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी से हमारे साथ जुड़े और बहुत सारे मुद्दों पर आपने बहुत ही विस्तार से हमारे व्यूअर्स को जानकारी दी, इसके लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद।